तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द टाइप डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। सबसे पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। तो उसमें देखते हैं हम, सबसे पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रल 0 to 3 x+4 dx। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हियर ऑब्जर्व किया तो लोअर लिमिट 0 है कि जिसे हम a से डिनोट करते हैं, तो a की वैल्यू 0 हो गई। अपर लिमिट हमारा 3 है कि जो हम b से डिनोट किए थे फॉर्मूला में, तो b का वैल्यू हो गया 3। एंड इंटीग्रल और dx छोड़ के रिमेनिंग जो टर्म है x+4, उसे हम डिनोट करेंगे fx से। तो fx हो गया हमारा x+4। उसके बाद हम h के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, h इज इक्वल टू b-a/n। देयरफॉर h इक्वल टू b की वैल्यू 3 रिप्लेस की a की वैल्यू 0/n। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिली 3/n। उसे हम बॉक्स कर देते हैं। उसके बाद fx की वैल्यू है हमारे पास x+4, हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है f(a+rh), सो दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 0, तो टर्म हो गया 0+rh। तो फाइनली मुझे मिल गया f(rh). अब a वैल्यू rh हम कहाँ पे रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे fx में। अब fx हमारे पास क्या था, x+4, तो x को हम रिप्लेस करते हैं r+h। तो राइट में हमें क्या मिलेगा, r+h+4, सो इज इक्वल टू r+h+4 इज इक्वल टू, वी राइट r एज इट इज h, h की वैल्यू है हमारे पास 3/n, उसे हम रिप्लेस करते हैं, सो r इंटू 3/n+4। तो इसी तरह हमें f(a+rh) की वैल्यू मिली 3r/n+4। सो इसी तरह हमने ऑल वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r टेक्स वैल्यू 1 to n f(a+rh) इंटू h। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देयरफॉर इंटीग्रल a to b fx dx, इसकी जगह पे हम हमारा क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 0 to 3 x+4 dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r टेक्स वैल्यू 1 to n। अब f(a+rh) कि जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, वो वैल्यू है 3r/n+4 इंटू एच, एच की भी वैल्यू हमारे पास है 3/n।
अब हम क्या करेंगे, 3/n से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r टेक्स वैल्यू 1 to n। अब 3r/n इंटू 3/n तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो गया 9r/n² प्लस 4 × 3/n हो गया 12/n ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम दोनों को सेपरेटली समेशन देते हैं तो दैट इज समेशन 9r/n² r टेक्स वैल्यू 1 to n प्लस समेशन 12/n r टेक्स वैल्यू 1 to n और यहाँ से हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो समेशन जो नोटेशन है दैट इज एप्लीकेबल फॉर r ओनली, तो इसका मतलब है जिसमें r नहीं है वो समेशन के हिसाब से हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो उसे हमें समेशन नोटेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला वी राइट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज। अब फर्स्ट समेशन को ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे 9/n² कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हम समेशन नोटेशन से बाहर निकालते हैं। 9/n² इंटू समेशन r टेक्स वैल्यू 1 to n r प्लस। अब सेकेंड टर्म ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे 12/n है, कॉन्स्टेंट टर्म है, समेशन नोटेशन से बाहर लेते हैं उसे, देन समेशन r टेक्स वैल्यू 1 to n। अब वहाँ पर r रिलेटेड एक भी टर्म नहीं है, सो वी राइट देयर समेशन r टेक्स 1 to n 1। सो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 9/n² इंटू समेशन r, r के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन किया है, n+1/2 प्लस 12/n इंटू समेशन 1 के लिए भी मैंने अभी फॉर्मूला स्टेट किया था, 1 का समेशन आता है n और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। सो इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर n कैंसिल हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन किया तो n और n² में से एक n कैंसिल हो रहे हैं, तो वी लेफ्ट विथ 9/2 ब्रैकेट n+1 न्यूमरेटर में अपॉन एक n यहाँ से रह रहे हैं, उसे हम लिखते हैं n+1/n प्लस सेकेंड टर्म में n कैंसिल किया तो रह गया 12 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में n से सेपरेट डिवाइड करते हैं, सो वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 9/2 ब्रैकेट n/n प्लस 1/n एंड देन वी राइट +12 एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 9/2 ब्रैकेट, यहाँ पर n कैंसिल हो रहा है, सो वी गेट आंसर 1 प्लस 1/n ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 12 और फिर पूरा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब लिमिट में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था रूल कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² आल्सो 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ आल्सो 0। सो इन जनरल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n रेज के वेर के ग्रेटर दैन 0 तो उसका आंसर हमें मिलेगा 0। इसका मतलब है जब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहा
और टर्म तुम्हारा एन डिनोमिनेटर में है, जैसे कि यहाँ पर है वन अपॉन एन, या वहाँ पे वन अपॉन एन स्क्वायर या वन अपॉन एन क्यूब, तो वो सब टर्म के आंसर हमें क्या मिलेंगे, ज़ीरो। सो इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 1+0+12, सो इज इक्वल टू 9/2+12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 9+12 × 2 हो गया 24/2। सो 24+9 ये हो गया 33/2 एज अ फाइनल आंसर। सो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 1 था इंटीग्रल 0 to 3 x+4 dx, कि जिसका आंसर हमें मिला 33/2।